गुड इवनिंग यशियंस, वेलकम टू एसी यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए शुरू करते हैं आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसकी एक्सपायरी है 28 नवंबर, डेट भी 28 नवंबर है। मॉर्निंग में व्यू दिख रहा है 24,000 पे ओआई के कारण सपोर्ट है, 24,500 पे ओआई के कारण रेजिस्टेंस अभी के लिए दिख रहा है। मार्केट 10 सेकेंड डाटा आगे बढ़ा के देखते हैं, 24,200 पे सपोर्ट आ गया वॉल्यूम के कारण, और 24,300 पे वॉल्यूम के कारण रेजिस्टेंस दिख रहा है, जिसकी वीकनेस अभी के लिए अपसाइड पे जाती हुई दिख रही है। डाटा को 3 मिनट आगे बढ़ाएंगे, ओआई चेंज देखेंगे कहाँ आ रहा है, कैसे कर रहा है। ओआई चेंज के कारण देखें तो 24,300 पे वॉल्यूम और ओआई चेंज के कारण सपोर्ट बनता हुआ अभी के लिए दिख रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस बन रहा सिर्फ वॉल्यूम के कारण, ओआई चेंज कहीं ऊपर है, अब वो देखते हैं थोड़ा स्क्रीन को नीचे डाउन करके। वो आ रहा है 24,800 पे। मॉर्निंग में ट्रेंड देखिए 50-50 है, थोड़ा वेट करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, डाटा स्टेबल होने देते हैं। ध्यान रहे 9:20 से पहले कोई शिफ्टिंग को हम कंसीडर नहीं करते, 9:20 के बाद की शिफ्टिंग कंसीडर करेंगे। साथ साथ 9:30 पे अपने लिए लेवल आते हैं, आफ्टर लेवल हम ट्रेड करना अपना शुरू करेंगे। जब तक के लिए हमारे पास कोई लेवल नहीं, तब तक हमारे पास कोई ट्रेड नहीं है। ओके आगे चलते हैं, डाटा का सिचुएशन सेम है, आगे चलते हैं चलते हैं चलते हैं। 9:30 तक आ चुके हैं, अब 9:30 पे क्या दिख रहा है, 9:30 पे दिख रहा है 24,300 पे दिख रहा है रेजिस्टेंस, किसके कारण, वॉल्यूम ओआई एंड ओआई चेंज के कारण। साथ साथ 24,300 पर ही दिख रहा है सपोर्ट, किसके कारण, वॉल्यूम ओआई और ओआई चेंज के कारण अपने को सपोर्ट अभी के लिए दिख रहा है। अब एक काम करते हैं, अपने को सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ आ चुका है, अब सबसे पहले हम अपने लेवल ड्रॉ करने शुरू करते हैं। लेवल में अभी के लिए क्या दिख रहा है, 24,319 पे रेजिस्टेंस है, सबसे पहले ये ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद 270 का एक लेवल है, ये ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि अभी के लिए सपोर्ट अपने को दिख रहा है। साथ साथ ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात ये है कि अपने लिए अभी के लिए वॉल्यूम की वीकनेस डाउन साइड पर कहीं यहाँ दिख रही है, वॉइस चेंज की कोई वीकनेस नहीं है अभी, यहाँ 64% है, इसको भी देखेंगे। यहाँ चेक करते हैं एक बार, वॉल्यूम इंक्रीजिंग है भाई, यहाँ पे बिल्कुल इंक्रीजिंग कर रहा है। यहाँ वाई चेंज चेक करते हैं, वाई चेंज अभी के लिए थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, यानी रेजिस्टेंस स्ट्रांग है अभी के लिए, क्लियर हो गया, रेजिस्टेंस हमारा बिल्कुल स्ट्रांग है और सपोर्ट में प्रेशर डाउन साइड का अभी के लिए दिख रहा है, ठीक है जी। एक लेवल और ड्रॉ कर लेते, जो कि है 250 का सपोर्ट, जो कि आ रहा है 220, बढ़िया क्या रहेगा कि हम अभी के लिए कॉल का व्यू ना बना के पुट का व्यू ना, ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। पहले 9:30 तक कैंडल्स को ड्रॉ कर लेते हैं, फिर देखेंगे क्या हो सकता है। नाइन थर्टी हो चुके हैं, अभी के लिए कैंडल ऊपर ही चल रही है, आगे चलते हैं। यहाँ इसने क्लोजिंग डाउन साइड पे दी है, नहीं दी, अभी भी नहीं दी, यहाँ इसने डाउन साइड पे क्लोजिंग दी है, क्या हमारे लिए यहाँ कोई ट्रेड का व्यू बन सकता है। 9:39 पे चेक करते हैं एक बार, अभी के लिए क्या क्या दिख रहा है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, सपोर्ट साइड पे अब वीकनेस दिख रही है भाई पूरी पूरी। ओआई चेंज अच्छा खासा बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ओआई बढ़ रहा है, ओआई शेयर नीचे है, लेकिन वॉल्यूम और ओआई चेंज जिसके कारण सपोर्ट है वो दोनों ही नीचे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, अच्छे खासे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और अपने लिए देखो 250 पे तो 99% हो भी चुका है, ओआई चेंज जो है वो कहीं यहाँ पे पूरा शिफ्टिंग होने वाली कोशिश भी करता हुआ दिख रहा है। तो हमारे लिए सेफ ट्रेड के लिए कहाँ से व्यू बन सकता है, 24,300 का रेजिस्टेंस मिल जाए, अल्ट्रा सेफ फुट का व्यू है। अगर अपने को 24,250 यानी 24,250 का रेजिस्टेंस मिल चुकी है, तो यहाँ से भी एक बार हम फुट का व्यू ले सकते हैं, ठीक है। मार्केट क्या कर रही है, मार्केट फर्स्ट टाइम मतलब अपना इस लेवल पे टच कर रही है, एक बार स्ट्राइक प्राइस ऊपर से परमिशन ले लेते हैं, ये भी अच्छा खासा बेरिश है, तो यहाँ से पुट का व्यू तो अपने लिए एक बार बनना चाहिए। टारगेट रहेगा अगला लेवल एसएल रखेंगे 620 पॉइंट्स का, आगे चलते हैं। या एसएल लेगा या टारगेट लेगा, अब इसने एसएल लिया, कोई बात नहीं, एसएल दिया हमने, आगे चलते हैं अभी के लिए। यहाँ पे मार्केट आई, फर्स्ट टाइम आई है इस जगह पे, कौन से 10 बजे, यहाँ चेक करें अब क्या दिख रहा है,
अभी के लिए दिख रहा है रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। अच्छा एक चीज नोटिस करो, मार्केट का सुबह से रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो दिख रहा था वो स्ट्रांग दिख रहे थे, एक ही जगह पे दिख रहे थे ना। अभी के लिए क्लियर क्लियर कट क्या दिख रहा है, रेजिस्टेंस 10:03 पे स्ट्रांग है, जिसके अंदर कोई भी अभी के लिए वीकनेस अपसाइड पे हमें नहीं दिख रही, नहीं दिख रही ना। दूसरी बात, जब रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, मार्केट फर्स्ट टाइम आ रही है, तो हमारे लिए ट्रेड बनता है। स्ट्रांग स्ट्रांग सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, जब भी हमारे लिए फर्स्ट टाइम आती है तो हमारे लिए पहला ट्रेड बनता है। तो अभी के लिए दिख रहा है कि मार्केट पहली बार आई है, तो एक बार तो हम ट्रेड का व्यू बनाएंगे। यहां से हम पहला ट्रेड का व्यू लेंगे अपना, और ये भी हम बिना कुछ देखे ही लेते हैं। जब भी हमारे लिए सपोर्ट स्ट्रांग हो, रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो, मार्केट आए वहां पर, हमारे लिए बिल्कुल एक बार पुट कट या अपने लिए वहां पे कॉल या पुट का ट्रेड बनता है। वो अलग बात है कि इसने आते ही ऐसे ले लिया, लेकिन हमारे लिए यहाँ ट्रेड बनता था। आगे चलते हैं। अच्छा दिनों ने दो ट्रेड के जो रूल फॉलो करते हैं उनके लिए आज का दिन यही बंद हो जाता है, शुरुआत में मॉर्निंग में वो यहाँ पे उनका दिन खत्म हो जाता है जो दो ट्रेड का रूल यूज करते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे के ट्रेड उनके लिए हैं जिन्होंने ये दो ट्रेड नहीं करे हैं और जिनका भी डब्बा बंद नहीं हुआ। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे दिन में कौन कौन से ट्रेड मिले। मार्केट फिर से वापस आई अपने लेवल पे, यहाँ पे आइए, यहाँ चेक करते हैं 10:15 पे, 15 मिनट बीत चुके हैं। अब क्या दिख रहा है, अभी तक सपोर्ट जो था वो वीक था, सपोर्ट अब स्ट्रांग हो गया है। रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, अब रेजिस्टेंस में वीकनेस दिखा रहा है। अगर यहाँ देखा जाए तो रेजिस्टेंस में वीकनेस आ रही है। 350 वाले में OI चेंज को देखिए, अच्छा खासा इंक्रीज कर रहा है, OI भी इंक्रीज कर रहा है और वॉल्यूम भी इंक्रीज करता हुआ दिख रहा है। यानी तीनों ही जो हैं ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं, रेजिस्टेंस हमारे लिए स्ट्रांग है। अब एक काम करते हैं, हमारे लिए हम भाई जिन्होंने एक ट्रेड कर चुके हैं वो क्या करें, दो दो ट्रेड हो चुके हैं रिस्की वाले अपने, है ना। एक तो सेफ था ये वाला सेफ ट्रेड था, ये रिस्की था, दोनों हमने ट्रेड कर लिए। जिन्होंने दो कर चुके हैं वो तीसरा ट्रेड ना करें। लेकिन अब यहाँ पे अपने को क्या दिख रहा है, मार्केट रेजिस्टेंस अपसाइड पे है, ऑल ओवर ट्रेंड भी 60% बुलिश है, नीचे के स्ट्राइक प्राइस से पूछें तो ये भी अलाउ कर रहा है। तो यहाँ से एक बार कॉल का व्यू अपने लिए फिर से बनता है। टारगेट रहेगा अगला लेवल, SL रहेगा स्टिक 20 पॉइंट्स का। ठीक है आगे चलते हैं, ये SL आ गया, टारगेट आएगा यहाँ, इसने अपना SL ले लिया, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं, मार्केट उसके बाद अच्छा खासा डाउनफॉल दिखाया है इसने। अब यहाँ पहले एक बार लेवल ड्रॉ कर लेते हैं भाई, मार्केट 200 तक के लेवल ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि 200 अच्छा खासा नीचे आया है। 221 के बाद 173, 173, उसके बाद एक लेवल आ रहा है अपने लिए 125, ठीक है। मार्केट कहाँ आ गई, मार्केट आ गई 150 के सपोर्ट तक। अभी के लिए कितने बजे का टाइम है, 10:36 का टाइम है। ठीक है अब क्या दिख रहा है, मार्केट अपना सपोर्ट छोड़ छाड़ के नीचे आ गई है, जबरदस्ती का नीचे आई है, जिसके कारण से यहाँ पे परसेंटेज दिख रही है अपने को ज्यादा ज्यादा, वॉल्यूम में भी और OI चेंज में भी। कहीं जगह पे ये जो अपने को परसेंटेज दिख रही है ज्यादा, ये इसलिए दिख रही है क्योंकि मार्केट इनकी रेंज से बाहर आ गया है, जबरदस्ती प्राइस नीचे आया है, जिसके कारण से AOC ने अपने को नया सपोर्ट दिया है कि OI और OI चेंज कहाँ बना रहे हैं और वॉल्यूम का यहाँ कहीं बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है मार्केट में जब भी इतनी शार्प सेलिंग आती है थोड़ा सा उस समय ना रुक जाना चाहिए, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पता नहीं होता कि मार्केट कौन सा मूव कहाँ ले ले। अब देखो यहाँ पे 10:45 पे अभी भी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, अब 10:45 पे थोड़ा सा रुकी है मार्केट, स्टेबल हुई है, स्टेबल तो नहीं, थोड़ा कंट्रोल में आई है। लेवल को ड्रॉ करते थे पहले 24,100 के, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 78 का। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, अभी के लिए दिख रहा है रेजिस्टेंस जो है वो वहीं पे बैठा है, कहाँ 24,300 पे। सपोर्ट जो है वो कहीं ऊपर से शिफ्ट होकर नीचे आ चुका है, कहाँ आ रहा है 24,100 पे। बढ़िया रहेगा हमारे लिए कि थोड़ा सा मार्केट वापस ऊपर जाए तो हम वहाँ से पुट के बारे में सोचे। ओके चलो आगे चलते हैं, क्या हम यहाँ से कुछ सोच सकते थे ट्रेड के बारे में, व्यू ले सकते थे 11 बजे के आसपास। पहले चलते हैं, अब क्या व्यू दिख रहा है, वॉल्यूम का जो हर्डल था ये भी खत्म हो गया, वॉल्यूम जो कहीं यहाँ बैठा हुआ था ये हर्डल भी खत्म। ठीक
ठीक है। अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें 24,000 पे OI चेंज के कारण सपोर्ट है। अगर OI चेंज की देखिए डाउन साइड पे वीकनेस है, वॉल्यूम और OI की वीकनेस कहीं दिख रही है अपने को यहाँ पे। अब ये देखने वाली बात है कि क्या ये बढ़ रही है, ये बढ़ रही है, ये घट रही है, ये घट रही है, ये दोनों को हमें चेक करना पड़ेगा। पहले ऊपर को चेक करते हैं। अगर यहाँ पे चेक करें हम सिंपल OI वॉल्यूम और OI को, वॉल्यूम देखें वॉल्यूम इंक्रीजिंग मोड पे है, OI देखें OI इंक्रीजिंग मोड पे है, यानी 24,100 पे जाने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, OI चेंज जो है अभी के लिए डिक्रीजिंग मोड पे दिख रहा है। साथ साथ इधर से रेजिस्टेंस साइड से भी प्रेशर आता हुआ अभी के लिए मार्केट पे दिख रहा है। यानी अपने को क्या क्लियर हो रहा है, सपोर्ट हमारा पहले नीचे आ गया, रेजिस्टेंस भी और प्रेशर करता हुआ दिख रहा है, साथ साथ जो सपोर्ट है वो 24,100 पे बनने की कोशिश करता हुआ अभी के लिए दिख रहा है। ठीक है, अब बढ़िया क्या रहेगा, या तो अपने को 24,150 के आसपास कहीं पुट मिले, हम वहां से बाइंग करें, नहीं तो यहां से अगर हम पुट के बारे में सोच रहे हैं तो हमारा क्या व्यू बन रहा है कि हम सपोर्ट के नीचे जाने की सोच रहे हैं। लेकिन अभी ये नीचे नहीं जा रहा, जब तक ये नीचे नहीं जा रहा तब तक हमारे लिए ट्रेड लेना यहाँ से थोड़ा सा रिस्की रहेगा। बढ़िया रहेगा कि अगर 173 के लेवल से मिले तो हम वहाँ से पुट के बारे में व्यू बनाएं, ज़्यादा ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे चलते हैं। इलेवन फोर्टी फाइव, आगे चलते हैं। अब क्या दिख रहा है अपने को, अभी के लिए दिख रहा है रेजिस्टेंस साइड से वही प्रेशर है, रेजिस्टेंस साइड से अभी प्रेशर क्रिएट हो रहा है, मार्केट नीचे निकली है ना, तो एक काम करते हैं 131 का भी लेवल हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, साथ साथ क्या दिख रहा है, सपोर्ट जो है अभी के लिए 24,050 पे आने की कोशिश कर रहा था, OI चेंज 24,050 पे आने की कोशिश कर रहा है, कोई खास फर्क नहीं है, यहाँ से नीचे जा चुका है, अभी कोशिश कर रहा है। मार्केट 50% तक नीचे आने की क्षमता रखती है। मार्केट कहाँ खड़ी है, 24,050 के सपोर्ट पे खड़ी है जो कि है 78। तो यहाँ से एक बार तो पुट का लेवल बनता है अपने लिए, पुट लेना बनता है यहाँ से। अगर मार्केट वापस से नीचे आके रिटेस्ट करेगी तो हम यहाँ से पुट के बारे में सोचेंगे। बिल्कुल लेवल को टच किया, क्या यहाँ से बन सकते हैं, यहाँ से तो सेफ था बिल्कुल। मार्केट आ गई 24,100 पे, यहाँ से अब देखो यहाँ पे क्या कोई हर्डल बैठे हैं, यहाँ कोई हर्डल नहीं बैठा, ये परसेंटेज यहाँ तक बढ़ने की कोशिश कर रही है। मार्केट खड़ी है 24,100 के सपोर्ट पर, वॉल्यूम ऊपर जाना चाह नहीं रहा, OI चेंज अगर आना भी चाह रहा है तो 50 तक आना चाह रहा है, मार्केट फिर भी अभी 50 तक आने की क्षमता रखती है। साथ साथ रेजिस्टेंस भी प्रेशर क्रिएट कर रहा है, अगर ऊपर का स्ट्राइक प्राइस साथ देता है 150 वाला, तो यहाँ से हम रनिंग कैंडल में भी ट्रेड के बारे में व्यू ले सकते थे। अभी तो बनता है यहाँ पे, तो एक बार ट्रेड तो बनता है 24,150 के सपोर्ट से, रेजिस्टेंस से हम पुट का व्यू ले रहे हैं। टारगेट रहेगा लगभग यहाँ तक, एसएल रहेगा लगभग 20 पॉइंट्स का स्टिक। आगे चलते हैं। क्या यहाँ फ्रेश एंट्री कर सकते थे जिन्होंने वहां नहीं लिया 12:06 पे? सिचुएशन सेम है, सिचुएशन में कोई फर्क नहीं है, 24,000 तक इसका आना बनता है, निश्चित है इसका 24,000 तक आना, एक बार कोई खास फर्क है नहीं, आना चाहिए इसे 24,000 तक, बिल्कुल आना चाहिए। 24,050 को देखें, ये भी बैरिश है अभी के लिए, तो एक बार तो आना बनता है इसका। जिन्होंने देखो जिन्होंने यहां नहीं लिया वो यहां पे एंट्री कर सकते हैं, अभी भी मौका दे रही है। लगभग अपना जो टारगेट था डिफाइन टारगेट तक आई है। अब यहाँ पे चेक करते हैं क्या लेवल हम ड्रॉ कर सकते थे, लेवल इसने टारगेट भी अपने को अच्छा खासा दिया है। नीचे का एक लेवल ड्रॉ कर लेते हैं, 24,000 का भी एक लेवल ड्रॉ कर लेते हैं, कितना आ रहा है, 23,982। अपने को अभी के लिए दिख रहा है मार्केट एटलीस्ट 24,000 सपोर्ट तक आना चाहिए, तो यहाँ तक अभी भी इसका टारगेट बनता है आने का। अब यहाँ चेक करें 12:36 पे डाटा, अगर ऐसे ही बना हो तो हम इसे और होल्ड कर सकते हैं अभी आगे। डाटा सेम है, नहीं अब डाटा में कुछ चेंज आया, क्या चेंज आया है, वॉल्यूम को देखें ऊपर से तो वॉल्यूम अब तो बढ़ नहीं रहा, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, क्या OI चेंज यहाँ पे कुछ बढ़ने की कोशिश कर रहा है,
देखा जाए तो वो ओआई चेंज यहाँ पे कभी 100% आया था, वापस यहाँ से डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 100% आके डिक्रीज कर रहा है, यानी 100% से वापस नीचे आ रहा है, मतलब डिक्रीज मोड में है। लेकिन एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली बात यह है, ये अभी भी डेंजर जोन में है, अगर इसका मूड वापस बना तो ये ऊपर आ जाएगा, तो हमारे लिए यहाँ से हम सपोर्ट के नीचे से ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए गलत हो जाएगा, हमें यहाँ पे अपने ट्रेड को बंद कर देना चाहिए, ये हमारा ट्रेड यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए। आगे चलते हैं, बढ़िया रहेगा वापस 24,780 पे, 78 पे मिले, हम वहाँ से पुट के बारे में सोचे ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे चलते हैं, यहाँ से लुभा रही है लेकिन हमने ट्रेड के बारे में सोचना नहीं है, फिर भी 12,54 पे 10-15 मिनट हो चुके, एक बार दोबारा देख लेते हैं। अभी भी देखो 96% ही दिख रहा है, यानी अभी भी ये डेंजर जोन में ही बना हुआ है, तो बढ़िया रहेगा अगर ऊपर 78 से मिले तो हम तब हम खरीदें, ना कि यहाँ से, जाती है तो जाने देंगे। यहाँ पे क्लोजिंग ने वापस दे दी 1:06 पे, सिचुएशन सेम है, बढ़िया रहेगा ऊपर से मिले तो पुट के बारे में सोचे। अब हम 30 से भी पुट का व्यू ले सकते हैं, 30 भी सेफ है अपने लिए और 78 भी सेफ है, साथ साथ अपने को क्या मिल जाए, अगर रेजिस्टेंस साइड से प्रेशर और मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, रेजिस्टेंस साइड अच्छा खासा प्रेशर क्रिएट कर रहा है, यानी अपने को अब क्या दिख रहा है, सपोर्ट भी नीचे आ रहा है, रेजिस्टेंस और प्रेशर क्रिएट करता हुआ दिख रहा है, अगर 24,000 के सपोर्ट रेजिस्टेंस से मिल जाए जो कि 31, तो वहाँ से भी एक बार पुट का व्यू ले सकते हैं, सेफ के लिए 78 का ही वेट करेंगे। आगे चलते हैं, बहुत देर हो गई यहाँ रुके रुके, एक बार चेक करें, 139 के आसपास लगभग सिचुएशन, अब क्या दिख रही है अभी के लिए, सपोर्ट नीचे आ चुका है, रेजिस्टेंस भी नीचे आता हुआ दिख रहा है, सिचुएशन में कोई चेंज नहीं है, हमें सिर्फ वेट करना है अब किसका, रेजिस्टेंस का, कहाँ के, 24,030 के और 24,078 के, अगर 30 के रेजिस्टेंस में मिलती है तो भी हम बना सकते हैं, 78 के रेजिस्टेंस में मिल जाए तो अल्ट्रा सेफ है। आगे चलते हैं, क्या यहाँ पे हमारे लिए पुट का ट्रेड बनता था, अगर यहाँ देखें अभी के लिए 1:57 के आसपास बिल्कुल बनता है, यहाँ से एक बार तो बनता है इस जगह से, लेकिन कैंडल रुकी नहीं, कैंडल रुकनी चाहिए थी, ऊपर का स्ट्राइक प्राइस चेक करें तो वो तो कह रहे मैं बेरिश हूँ, ले सकते हो अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैंडल नहीं रुकी, कोई बात नहीं, आगे जाने देते हैं, दोबारा आएगा नीचे तो देख लेंगे, अभी भी कैंडल नहीं रुक रही, ऊपर ही रुक रही, क्लोजिंग ऊपर दे रही है, यहाँ आई दोबारा से, क्या यहाँ पे हमारे लिए पुट का ट्रेड बनता था, यहाँ से हमने कहा था अल्ट्रा सेफ है हमारे लिए, क्या सिचुएशन अभी भी सेम वैसे ही रही, बिल्कुल सिचुएशन सेम है, बल्कि रेजिस्टेंस भी नीचे आ चुका है 24,100 तक, क्या वो नीचे प्रेशर क्रिएट कर रहा है 24,000 पे, अभी के लिए चेक करें तो ओआई चेंज कर रहा था लेकिन अब वो डिक्रीज हो गया उसका प्रेशर, लेकिन मार्केट फिर भी अपने लिए 24,050 के रेजिस्टेंस तक आई है, तो यहाँ से तो एक बार व्यू अपने लिए बनता है, बिल्कुल बनता है। देखो अगर इसमें वीकनेस यहाँ पे रहती तो हमारे लिए यहाँ से मार्केट नीचे आ जाती व्यू जैसे हम सोच रहे थे, लेकिन अब ये वीकनेस खत्म हो गई, मार्केट फिर यहाँ तक आई है, कम से कम सपोर्ट की शिफ्टिंग डाउन साइड पे हो चुकी है, तो यहाँ से फिर हमारे लिए व्यू बनता है, अब व्यू यहाँ से ले रहे हैं तो टारगेट हमारा पहला रहेगा ये, दूसरा टारगेट रहना चाहिए ये, लेकिन अब मार्केट आई है यहाँ पे तो यहाँ से ट्रेड लेते लेना तो बनता है, एक बार यहाँ से ट्रेड लेंगे, ऐसा रखेंगे स्टिक, 20 पॉइंट्स का टारगेट रखेंगे लोग अगले लेवल तक का, ठीक है, अपने को दिख रहा है कि मार्केट अभी नीचे आना है, और उसने बात मान के अगली ही पूरी कैंडल में टारगेट अच्छा खासा दे दिया अपने को, टारगेट उसने पूरा दिया है, अभी इतने बड़े टारगेट को अब जिसने होल्ड करा है, लगभग कितना टारगेट था ये, 200 पॉइंट का टारगेट था, अब जिसने भी इतना बड़ा टारगेट होल्ड करा उसकी पार्टी हो गई समझ लो आज, सही में जिसने भी होल्ड किया होगा, लेकिन अपने लिए 100 पॉइंट का टारगेट तो सामने था ही था, लेवल भी एक बार लगा लेते हैं नीचे के 9,982 के बाद अपने 900 के लेवल डालने, अपने 9,35 एक लेवल हो गया, एक लेवल हो गया 8,91, मार्केट ने अच्छा खासा टारगेट लंबा सा दिया है, अच्छा खासा टारगेट दिया, अब ये जिसने भी कैप्चर किया होगा टारगेट अच्छा मिला है उसे, आगे चलते हैं अभी,
थोड़ा मार्केट को अब संभलने देंगे। बहुत तेज़ी से टारगेट आया, बहुत तेज़ी से मूव किया मार्केट ने, थोड़ा रुकने देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मार्केट लगभग ढाई ढाई बज चुके हैं, ढाई बजे के बाद तो हम वैसे भी ट्रेड नहीं करते। अच्छा आज के देखें अब कितना, इतना देखो बिल्कुल लेवल टू लेवल चलिए एओसी के साथ निफ्टी। अगर किसी ने ट्रेड करे होंगे तो लेवल टू लेवल टारगेट मिले हैं, एसएल भी किए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन टारगेट भी अच्छे खासे मिले हैं आज के लिए। अब आज का एक बार कैलकुलेशन देख लेते कितने एसएल गए कितने टारगेट गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे टारगेट कितने मिले, एसएल कितने मिले, कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का मौका कितनों में मिला, ये चेक करते हैं। पहले में एसएल गया, दूसरे में एसएल गया, तीसरे में एसएल गया, तीनों में एसएल गया नो डाउट, चौथे में टारगेट मिला दो का, पांचवे में टारगेट जो मिला एक दो, दो का तो दिख रहा था, जिसने होल्ड किया होगा उसे चार का मिला होगा, हम दो का ही लेके चल रहे हैं। कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का आज किसी में भी मौका इसने नहीं दिया। अच्छा एक रीज़न ये भी है, कॉस्ट टू कॉस्ट आज निकलने का मौका इसलिए नहीं मिला क्योंकि आज आईवी बहुत ज़्यादा थी, डाटा रैंडमली डाटा काम कर रहा था अपने लिए, लेकिन कैंडल्स जो थी रैंडमली ऊपर नीचे हो रही थी बहुत तेज़ी तेज़ी से, तो उसने एसएल लेना तो उसमें आम बात थी। यहाँ पे भी ये ट्रेड अपने को पता था ये ट्रेड सही है अपने लिए, मार्केट यहाँ से उसके बाद तेज़ी से नीचे गिरी है, लेकिन अपना एसएल लेकर गई थी, उसके बाद यहाँ पे इसने डाटा भी बदल लिया था, सो नो डाउट अपने लिए ठीक है। अपने को तीन एसएल आज गए हैं, तीन एसएल गए हैं प्रॉपर, और अपने को टारगेट मिले हैं लगभग चार, फिर भी अब हम आज के दिन में अच्छे खासे एक एक ट्रेड के प्रॉफिट में ही होने चाहिए। और जिसने ये वाला ट्रेड पूरा कैप्चर करा है, ये वाली जो रैली आई थी इसको कैप्चर करा है, तो अच्छे खासे प्रॉफिट में आज होने चाहिए। ये देखो एओसी का रूल्स रेगुलेशन फॉलो करोगे ना सही तरीके से तो टारगेट और प्रॉफिट तो मिलेगा मिलेगा, कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन हम खाली जाएं घर पे, प्रॉफिट अपने को सही मिलता है, अच्छा मिलता है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्रूड पे, एक बार क्रूड का भी एनालिसिस कर लेते हैं। क्रूड में हम यूज़ करते हैं 15 मिनट की कैंडल, अगर 15 मिनट की कैंडल हमारे अगेंस्ट बंद हो जाती है वो हमारे लिए एसएल का काम करती है क्रूड में। ठीक है जी, अब क्रूड को लगा लेते हैं। अब क्रूड आ गया हमारे लिए, एक मिनट, ये क्रूड ठीक है जी, ये क्रूड आ चुका है अपने लिए। अब क्रूड में पहले देखते हैं क्रूड दिखा क्या रहा है, बताना क्या चाह रहा है। अभी के लिए देखा जाए सिंपल टर्म्स में जो एओसी दिखा रहा है, सपोर्ट में अभी कोई शिफ्टिंग नहीं, सपोर्ट स्ट्रांग है 5800 पे अपने लिए क्लियर जो दिखा रहा है। रेजिस्टेंस क्या दिखा रहा है, रेजिस्टेंस दिखा रहा है 5850 पे कभी था, जिस जो अभी शिफ्ट होकर आ गया कहाँ 5800 पे, यानी कहीं ओआई चेन यहाँ से ऊपर गया है जिसके कारण से मार्केट इसकी रेंज से ख़त्म होके इसकी रेंज को इसने पकड़ लिया है अभी के लिए। दूसरी बात ऑल ओवर ट्रेंड देखें, मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। पीसीआर देखें मैजिकल जो पीसीआर है अपने लिए 7.1 कल से बुलिश है, बाकायदा ओटीएम में अपने इस साइड पे इधर कॉल साइड पे अपने लिए कोई भी अभी राइटर नहीं बैठा, यहाँ पे सब राइटर माइनस में है, और बकायदा पुट राइटर में अच्छी खासी यहाँ पे एंट्री हैवी एंट्री दिख रही है, तो बढ़िया रहेगा कि अगर नीचे से मिले तो हम बाइंग का ऑप्शन सोचें क्रूड के अंदर। क्रूड अभी अच्छा खासा बुलिश है, अब हम बाइंग कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, 5800 का सपोर्ट मिल जाए बहुत अच्छा अच्छा खासा कॉल का ट्रेड बन सकता है, अगर 5850 का सपोर्ट मिल जाए तो यहाँ से भी एक बार थोड़ा सा रिस्की कॉल का व्यू बना सकते हैं। उसमें ज़्यादा फायदा क्या रहेगा कि अगर वॉल्यूम की वीकनेस भी और मिल जाए ऊपर तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर अभी हम कॉल के बारे में व्यू नहीं लेंगे क्योंकि ये ओआई चेन जो है 98.6% बैठा हुआ है, या तो ये घटे तो बढ़िया बन सकता है, या तो ये भी माइनस हो जाए या थोड़ा घट जाए, इस ये जो येलो डब्बा है ख़त्म हो जाए। वैसे इसको अगर देखा जाए तो ये 353 है और यहाँ पे लगभग 225,000 है ना, तो ये हंड्रेड्स में है ये थाउजेंड में है, तो बहुत फ़र्क है, सॉरी 2500 है, यहाँ पे 2500 है और ये 353 है, तो लगभग एज कम्पेयर टू दिस साइड यहाँ पे 2x से भी ज़्यादा है, तो मार्केट अभी भी बुलिश की साइड पे ही रहेगा। बढ़िया रहेगा कि नीचे मिले तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी क्रूड में ढूंढें। ठीक है जी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस क्रूड का एनालिसिस अच्छा लगा होगा। डू शेयर लाइक सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स, एंड वन मोर थिंग, अपने 2 जनवरी से दिल्ली के अंदर ऑफलाइन सेंटर है
AOC ऑफलाइन सेंटर जो दिल्ली का है, यहाँ पे 2 जनवरी से अपने लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोर्स शुरू होने जा रहा है। जिन्होंने भी अभी तक एनरोल नहीं किया वो जाके एनरोल कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर लिंक्स हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता, नहीं नहीं समझ आ रहा, नहीं लिंक मिल रहा कि आप करना चाहते हैं, यहाँ होम पे जाइए, यहाँ मेरा आपको नंबर मिलेगा गोपाल सिंह के नाम से, ये वाला, ठीक है? इस नंबर पे आप जाइए, मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, कॉल कर दीजिए, आप मेरे से लिंक ले सकते हैं। कुछ ना समझ आए आप मेरे से बात करके पूछ सकते हैं। टाइमली लिंक को अपने टाइमली अपने आप को एनरोल कीजिए, क्योंकि देखिए मेरे पास लिमिटेड सीट्स हैं ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी। अगर आप टाइम से एनरोल करेंगे तो आपको सीट मिल पाएगी, वरना फिर आपको नेक्स्ट बैच तक का वेट करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर दो, अगर आप 15 दिसंबर से पहले पहले करते हैं तो आपको D1 D2 बैच की जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, जो कि जो अपने पिछले बैच में रिकॉर्डिंग्स हुई थी और जो कोर्स की, वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। साथ साथ आपको 15 दिनों के लिए ऑफलाइन सेंटर पे क्लास मिलेगी, प्रैक्टिकल क्लास जैसे लाइव क्लास होती है, जो कि चार्जेबल है। और साथ साथ ऑनलाइन गूगल मीट के ऊपर भी आपको, अगर ऑनलाइन करते हैं 15 दिसंबर से पहले पहले, तो आपको ऑनलाइन की भी जो क्लास है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी 15 दिनों के लिए, जो कि वो भी चार्जेबल है। लेकिन जो जो बंदा 15 दिसंबर से पहले पहले करेगा वो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट उनको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है जी? इसलिए टाइम से अपने आप को एनरोल कीजिए और अपनी सीट को रिजर्व कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच।